मानसून की तैयारी पूरी तरह फेल है। नगर प्रशासन लूट खसोट में संलिप्त है। गांव देहात से 200 मेंढक लालगंज नगर में आ जाए तो पूरे नगर क्षेत्र में बाढ़ आ जाए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सह वार्ड पार्षद अजय ठाकुर कह रहे हैं। कहना भी लाजमी है, जब नगर परिषद कार्यालय तक पहुंचने वाला मार्ग ही जलमग्न हो जाए या फिर सभापति के वार्ड में ही सड़कों की स्थिति नारकीय हो जाए, जल प्रलय सा नजारा दिखने लगे तो हर किसी की जुबान खुलनी तय है। तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं है। यहाँ बस एक ही चीज है, लूट खसोट। जनता के प्रति कुछ कोई ध्यान नहीं है, किसी का नहीं है, न कार्यपालक का है, न नगर परिषद चेयरमैन का है, किसी का कोई भूमिका नहीं है। मेरा नगर कैसे बचेगा, मेरा नगर कैसे रहेगा? देहात का अगर 200 बेंग इस शहर में कूद जाएगा तो नगर दह जाएगा, ये स्थिति है। मानसून के कारण इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो लालगंज प्रखंड में 122 mm बारिश हुई है, जो अभी भी अनवरत जारी है। ये आंकड़े लालगंज ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की देखभाल कर रहे कृषि सलाहकार श्रीराम कुमार ने जारी किया है। बारिश ने ये तो साफ कर दिया है कि नगर प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की है। अगर की भी होगी तो शायद ये उन्हीं को नजर आता होगा। लालगंज थाना रोड, अगरपुर वार्ड नंबर 9, महावीर चौक से दाहिने साइड की सड़क, नूनू बाबू चौक, प्रेमगंज हो या रेफरल अस्पताल रोड, हर जगह जल जमाव का नजारा। अगर नगर प्रशासन बारिश से पूर्व नालियों की सफाई और निकासी का मार्ग खोल दिया होता तो ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। हालांकि पूर्व पार्षद श्याम कुमार सुमन और इनकी धर्मपत्नी मोनी कुमारी की माने तो तेज और लगातार बारिश के कारण ऐसी समस्या हुई है, जिसका समाधान किया जा रहा है। ये खुद भी स्वीकार करते हैं कि नाले की निकासी नहीं होने व लोगों द्वारा कचरा फेंककर नाला जाम करने के कारण परेशानी हो रही है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी विजयशील गौतम ने बताया कि बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव हो जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसकी निकासी भी कर दी जाती है। जहां कहीं भी दिक्कत हो रही है वहां जल निकासी का काम कराया जा रहा है। जहां तक बनने की बात था वहां तक बनाया, उसके आगे का जो प्लानिंग था वो नहीं बन पाया अभी तक। इसमें एक ऐसा बात सुनने को मिला था कि घगड़ा चौक से लेकर के बाजार गांधी चौक होते हुए ब्लॉक की ओर निकलेगी रास्ता, इसी पूरा रोड बनेगी, इसी के सिलसिला में ये बंद हुआ और अभी तक किसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। इससे तमाम जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त में चल रहे हैं। यहाँ के तमाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लगती है, आम दिनों में भी थोड़ा बहुत पानी लगी रहती है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोग कभी किए नहीं? इसकी शिकायत व्यापार भी प्रभावित होता है? व्यापार भी पूर्ण तरह से प्रभावित है, हमारी दुकान भी प्रभावित है, अगल बगल कहीं प्रभावित है। और इसकी जानकारी वार्ड कमिश्नर से लेकर चेयरमैन से लेकर के सभी व्यक्तियों को दिया गया हुआ है, यहाँ तक कि विधायक को भी दिया हुआ है। अगर 200 बेंग इस शहर में कूद जाएगा तो नगर दह जाएगा, ये स्थिति है। सभापति के वार्ड में भी पानी लगा, पूरा डूब गया, उनका वार्ड ही जलमग्न हो चुका है। माने उनको इस पर ध्यान ही नहीं है उनको, जबकि उनके पति भी लंबे समय तक पार्षद रहे हैं। लगातार है, ये है, अभी है, वर्तमान में भी है। वो इस पर कोई उनका कोई तीखा टिप्पणी नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं है कि मेरा नगर कैसे बचेगा, मेरा जनता कैसे सुरक्षित रहेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है उनके। तो आप विपक्ष में हैं, आप क्या करेंगे? तो हम तो हल्ला कर रहे हैं, हम तो लगातार चौकारी को और चेयरमैन के साथ भी मैं बहुत बात बोला हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपका भी तो कुछ दायित्व तो बनता है। हम तो लगे हुए हैं, अभी तो भोरे से वही कटवा रहे हैं, हम अपने घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूम गए, हम अपने से काम तो करा रहे हैं, हम बैठल नहीं है। हम तो जो पार लग रहा है जनता को जितना हो सकता है सेवा हम कर रहे हैं, हम न पीछे हैं। अभी जनता के सेवा में देखिए कि वार्ड नंबर 11 में हम बउआ रहे हैं, हम वार्ड नंबर 16 के पार्षद हैं, हम तो सब जगह 9-10 पूरे वार्ड में हम बउआ रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या स्थिति है। हमसे जो पार लगेगा उतना हम काम जनता का सेवा मैं कर रहा हूँ।